press the bell icon so you never miss any video from Momo's Kitchen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ. इसके लिए एक किलो लौकी लेके इसको मैंने धो के कद्दूकस कर लिया. बीज का हिस्सा हमने निकाल दिया था. एक किलो में एक से डेढ़ कप चीनी, दो कप दूध, सूखा दूध चाहिए, बादाम छील के, खोया एक पाव खोया लिए, ये असली घी है घर का होममेड, छोटी इलायची और केवड़ा एसेंस. तीन कप हमें दूध चाहिए जिसमें मैं उबालूंगी लौकी को. ये दो से तीन कप दूध है और मुझे चाहिए होगा तो मैं और डालूंगी. मैं इसमें लौकी डाल दूंगी. इसमें मैंने लौकी डाल दी दूध में. इसमें लौकी को पकाएंगे अच्छी तरह. एक कप और डालूंगी मैं दूध. मैंने इसमें दूध डाल दिया. तकरीबन आधा किलो दूध लगा है. आधा किलो दूध मैंने इसके अंदर डाला है. अब मैं इसको पकने दूंगी. इसको ढक दूंगी मैं. इसको मैं ढक दूंगी. इसको पकने दूंगी मैं दरमियानी आंच पे. दूध खुशक हो गया. हल्का सा पानी है बस. बिल्कुल ज़रा सी आँच तेज करेंगे. आप इसमें कलर भी डाल सकती हैं. मैं चीनी डालूंगी इसके अंदर. मैं ज़रा सी बचा लूंगी. आधा कप मैंने बचाई थी ये भी मैं डाल दूंगी. टोटल डेढ़ कप चीनी चाहिए. 300 ग्राम के करीब होती है चीनी. अब इसको ज़रा सा भूनेंगे अच्छी तरह ताकि चीनी का पानी खुशक हो जाए. आधा टीस्पून में इलायची पाउडर डालूंगी. अब तीन से चार टेप ये साबुत इलायची डालूंगी खोल के. ये पानी खुशक हो रहा है चीनी का. इसमें मैं तीन से चार टेबल स्पून असली घी के डालूंगी जो घर का निकला हुआ है. दो तीन चार. अच्छी तरह भूनना है. बिल्कुल पानी इसका खुशक हो जाएगा तो मैं इसमें दूध डालूंगी. अच्छी तरह खुशक हो जाए. पानी खुशक हो गया है. इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी. खुशक दूध डालूंगी मैं इसमें. अच्छी तरह मिक्स करेंगे. डेढ़ कप मैंने डाला है खुशक दूध. अभी खोया भी डालेंगे. खोया मैं ऊपर से गार्निश में इस्तेमाल करूंगी. आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपीज़ और मुझे बताएं किस तरीके की कैसे बनती हैं, कैसी लगी हैं आपको.
बिल्कुल हमने हल्की आंच कर दी है, और सिर्फ एक कतरा एसेंस का मैं डालूंगी केवड़े का, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है इसकी खुशबू, तो हमें सिर्फ एक कतरा चाहिए, एक ड्रॉप बस। और इसको मैं ढक दूंगी अच्छी तरह, ये घी ऊपर आ गया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के। लौकी का हलवा तैयार हो गया, मैंने ऊपर से गार्निश के लिए खोया डाल दिया और ये बादाम डाल दिए मैंने। आप इसमें कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलर नहीं था इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसके ऊपर चांदी के वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ही लजीज, बहुत मज़े का बना है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए, मुझे बताएं आपके कैसा बना आपका, और दुआओं में याद रखें मुझे। जज़ाकअल्लाह खैर।